अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कल रात से लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो सुबह स्कूल पहुंचने के लिए हमने एक रिक्शे का सहारा लिया। स्कूल पहुंचने पर इमारत शाई शाई कर रही थी, बच्चे भी बहुत कम आए हुए थे, बहुत ही कम, और टीचर्स भी नहीं थी। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बच्चे आना शुरू हुए, थोड़ी स्ट्रेंथ जमा हुई, तो असेंबली कंडक्ट कराएगी और फिर क्लासेस शुरू हुई। आज हमने बच्चों को मैप और ग्लोब के बारे में अंडरस्टैंडिंग देनी थी, तो हमने ऊपर लैब से एक अदद ग्लोब नीचे मंगवा लिया। ग्लोब चूँकि बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं था, बच्चे इसे किताबों में देख चुके थे, हमारे जो स्कूल की वीडियोज़ हैं उनमें देख चुके थे, तो सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि वो ग्लोब पर पाकिस्तान को ढूंढें। तो मैंने इंडिविजुअली हर बच्चे को के पास में ग्लोब लेकर गई और हर बच्चे से मैंने ग्लोब फाइंड कराया। और फिर फ्री पीरियड में असरा मेरे पास आ गई। असरा पाकिस्तान किधर है? किधर उंगली रख। कोयटा इस्लामाबाद। और इंडिया का है? तो ये है ग्लोब पर इंडिया, और इंडिया के बिल्कुल साथ प्यारा पाकिस्तान है। ग्लोब पर बहुत खूबसूरत पैचेस की शक्ल में पूरी वर्ल्ड के मैप को दिखाया गया है। ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन पढ़ने के लिए आपको एक अदद नज़र का चश्मा ज़रूर लगा होना चाहिए, बिकॉज़ इतने बारीक नेम्स राइट हुए हुए थे कि वो बहुत तवज्जो से देखने पर पढ़े जा रहे थे। खैर, ये ग्लोब वाली एक्टिविटी में सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और फिर मैंने फ्री पीरियड में बैठकर ग्लोब की प्यारी सी वीडियो बनाई। सारे ओशियंस और एंटार्कटिक ओशियन, और स्पेशली बच्चों को एंटार्कटिका देखना था कि वो कहाँ है ग्लोब में, तो बच्चों को वो दिखाया। सबसे बड़ा जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, बच्चे एक्साइटेड थे कि हमें दिखाएं वो कितना बड़ा है, तो ग्लोब पर दिखाया कि वो कितना फैला हुआ है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, देन बाकी सारे ओशन भी बच्चों ने ऑब्जर्व किए। अब स्कूल से हम वापस जा रहे हैं, तो बाहर रोड्स पर बारिश ख़त्म होने के बाद काफ़ी हद तक पानी नीचे उतर चुका था, लेकिन ये क्या, नेहरू पार्क में तो अभी तक पानी का ढेर लगा हुआ है। नहीं, यहाँ तो एक्चुअली एक नया रिवर बन गया है, पानी से भरा हुआ नेहरू पार्क। कमोबेश यही हाल लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार का था। सुबह में स्कूल तक पहुंचना एक मुश्किल काम था, जैसे आप उर्दू में मिसाल दें जुए शेर लाना, इतना ही मुश्किल काम था। लेकिन उसके बावजूद हम लाहौरी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए मौके निकाल लेते हैं। बच्चे इस गंदे पानी में भी झूले ले रहे थे और इसी पानी में घूम भी रहे थे, सो एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। और ये जो पानी है ये साफ़ पानी है, तो ये दावत देगा डेंगू मच्छरों को कि आओ और यहाँ अंडे दो।